Hi guys, welcome to the channel. Myself Shubham, currently studying an MD second year in University of Perpetual Help in Philippines. So, आज का जो वीडियो होने वाला है ये बेसिकली होने वाला है बेस्ट इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स और फॉरेक्स कार्ड्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि पढ़ने जा रहे हैं. एग्जाम्पल के तरह से आप फिलीपींस को ले सकते हो. और जो फर्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि मतलब विद दिस आई मेंट इज द बैंक्स, उनका जो वेबसाइट होता है वहाँ पे वो जो चार्जेस लिखते हैं, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड हो गया या फॉरेक्स कार्ड हो गया, तो उससे नॉर्मली जब हम फिजिकली जाकर विड्रॉ करते हैं तो वो चार्जेस मैच नहीं होते. बहुत सारे अलग चार्जेस होते हैं, GST चार्जेस या फिर उसके बाद VAT, ऐसे करके बहुत अलग से चार्जेस भी होते हैं और वो ज़्यादा होते हैं जनरली जो वेबसाइट पर मेंशन होते हैं बैंक के जो डिडक्ट होते हैं. ये हमको मतलब पता नहीं चलता है, बट हम जब वहाँ पे जाके फिजिकली विड्रॉ करते हैं तब जब ज़्यादा कटता है तब आइडिया होता है कि हाँ ये इतना कटता है, वो वेबसाइट के हिसाब से इतना जो लिखा होता है उतना नहीं कटता है. फिर जो सेकंड चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंट बैंक्स. जैसे ही आपको पता ही है बहुत सारे बैंक्स हैं जिसका आप डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या फॉरेक्स कार्ड लेके आप फिलीपींस जा सकते हो. पर अगर हम पहले देखें SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसका तो पूरा अवॉइड ही करें, उसका तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही मत लेना क्योंकि उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं. फिर प्लीज़ अवॉइड इट. एंड द सेकेंड दैट वी विल टॉक अबाउट इज़ HDFC का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और फॉरेक्स कार्ड, या फिर एक्सिस बैंक का भी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और फॉरेक्स कार्ड. बेसिकली उनका जो नॉर्मली कार्ड्स मिलते हैं, HDFC हो गया या एक्सिस हो गया, तो उनका हमको पहले से ही डेबिट कार्ड इंटरनेशनल होता है, तो उसके लिए हमको दूसरा कोई एक्टिवेशन या ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है. और उसके साथ आप फॉरेक्स कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो जो कि 2 दिन में मिल जाता है. और तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, मतलब उसका मैं आगे डिस्कस करूँगा. फिर जो थर्ड बैंक है वो है PNB, पंजाब नेशनल बैंक. तो आप किसी भी सीनियर को पूछोगे 50% आपको PNB का ही लेने को बोलेंगे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड. वो बहुत अच्छा होता है, उसके चार्जेस बहुत कम होते हैं. तो अभी हम डिस्कस करते हैं चार्जेस के बारे में. लाइक फॉर ऑल द 3 बैंक्स, दैट इज़ PNB, HDFC और एक्सिस बैंक. सो PNB, जैसे कि PNB का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड बेस्ट होता है, उसके चार्जेस बहुत मिनिमल होते हैं. अगर फॉर एग्जांपल हम लें कि एक फिलिपिनो पैसो आज के डेट में 1.50 INR है, तो मतलब अगर आप PNB का देखें तो इसमें क्या होता है, उसका चार्जेस जो होता है तो ये ज़्यादा नहीं, मतलब चार्जेस ज़्यादा नहीं काटता है. अगर 1 फिलिपिनो पैसो 1.50 INR है तो इसके में 1.51 INR कटता है मैक्स, इतना, ठीक है. और HDFC का अगर आप देखें तो सेम अगर है 1 फिलिपिनो पैसो 1.50 INR, तो HDFC में तो कभी कभी 1.50 INR ही कटता है या फिर 1.51 INR मानो, ठीक है. और एक्सिस बैंक में उसका हाल ये है कि 1.53 या फिर 1.54 कटता है, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा है. और इन सब बैंक्स में जब आप फिलीपींस में विड्रॉ करते हो कोई भी बैंक, मतलब ATM से $5 कटता ही है, मतलब 250 पैसोज कह लो या फिर $5 को INR में कन्वर्ट कर लो, 370 380 जितना भी हो उतना कटता ही कटता है. और मैं जो ये चार्जेस कह रहा हूँ उसके अलावा है, मतलब ट्रांजेक्शन चार्जेस जो 1.5354, और उसके बाद HDFC का और एक्सिस का अलग से चार्जेस होते हैं, ठीक है. PNB का कुछ नहीं होता, बस इतना होता है $5 और 1.51 या 52 कह लो जो भी होता है. पर उसके बाद HDFC में क्या होता है, 6 से 7 दिन के बाद, जैसे कि मैंने 20,000 का ट्रांजेक्शन किया, $5 तो कटा ही कटा, फिर 1.51 या 50 के हिसाब से कटा थोड़े बहुत जो चार्जेस हैं. उसके बाद 600 650 ऐसा 150 100 करके ना 850 या 900 पर ट्रांजेक्शन कट जाता है, ठीक है, 850 से 900. और वो ऐसे ट्रांजेक्शन लिख देते हैं कि GST या फिर VAT ऐसे करके, और वो एक्स्ट्रा चार्जेस होता है पर ट्रांजेक्शन करता है, जितनी बार आप 20,000 निकालोगे उतनी बार कटेगा. सेम है एक्सिस बैंक के लिए भी. तो इसलिए इसका इंटरनेशनल डेबिट कार्ड यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इतने ज़्यादा चार्जेस होते हैं. और यही PNB में कुछ नहीं कटता है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं कटता है, बस एनुअल चार्जेस होते हैं जो कि तीनों कार्ड्स के लिए, तीनों डेबिट कार्ड्स के लिए सेम है एनुअल चार्जेस, 500 से 600 के आसपास, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सेम है. तो PNB वो बहुत अच्छा है. फिर हम डिस्कस करते हैं फोर्थ चीज़, जो कि है HDFC का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड प्लस फॉरेक्स कार्ड. ये एक बहुत अच्छा हो जाता है दोनों कॉम्बिनेशन में, क्योंकि आप आराम से फॉरेक्स कार्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है. और HDFC का फॉरेक्स कार्ड
और HDFC का फोरेक्स कार्ड यूज़ करने में फ़ायदा यह है कि आप आराम से खुद आपके HDFC के बैंक अकाउंट में जितना पैसा है आप खुद जितना चाहो चेंज कर सकते हो, मतलब फॉरेक्स कार्ड के अकाउंट में डाल सकते हो खुद ही, मतलब नेट बैंकिंग से सब कुछ कर सकते हो आपको, मतलब आपके अगर पापा या मम्मी को पैसे डालने आपके अकाउंट में वो सीधा बैंक ट्रांसफ़र कर दे नॉर्मल अकाउंट में, फिर आराम से आप HDFC का साइट पे ऑप्शन होता है फॉरेक्स कार्ड का, उस पर लॉग इन करके आराम से आप पैसे मतलब खुद ही खुद चेंज कर सकते हो, मतलब USD से INR से USD या मतलब आपको यूरो जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना हो। और फिर जो मेन चीज़ है इसका कि आप फॉरेक्स कार्ड से वहाँ पे कहीं पे भी शॉपिंग कर रहे हो स्वाइप कर सकते हो, उसका चार्जेस ज़ीरो होते हैं, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया होता है, मतलब कि ज़ीरो चार्जेस स्वाइपिंग के लिए आप आराम से स्वाइप कर सकते हो। फिर उसके बाद जब अगर आपको फीस वीस देने की बारी आई तो उसमें भी आप जाके यूनिवर्सिटी में सीधा अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड हो, HDFC हो या एक्सिस हो, आप आराम से जाके वहाँ पे स्वाइप कर सकते हो, यहाँ पे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का कोई काम ही नहीं आता है, उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड हो बहुत सूटेबल होता है आपके लिए, आराम से जाके मतलब यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई मॉल हो शॉपिंग कर रहे हो आराम से स्वाइप कर सकते हो, चार्जेस ज़ीरो हैं तो बहुत सूटेबल है। फ़ीस के लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि फ़ीस अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो बैंक चार्जेस होते हैं अराउंड 4,000-5,000, फिर वो लोग चार्ज बहुत करते हैं, अगर 75 है USD तो वो लोग 77-78 चार्ज करते हैं, फिर वो USD फिलिपिनो पैसों में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे चार्जेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो इस मामले में फॉरेक्स कार्ड बहुत काम में आता है, तो इसलिए आप HDFC या फिर एक्सिस का भी देख सकते हो। तो अगर हम कंक्लूड करें तो PNB का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड बेस्ट है, मैंने भी अभी अप्लाई किया है, मैं भी वो लेके जाऊंगा जब फिलीपींस जाऊंगा, और मेरे पास HDFC का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है और फॉरेक्स कार्ड है जो कि मैं यूज़ करता था, अच्छा है फॉरेक्स कार्ड, मतलब वो दो देते हैं अगर एक खो जाए ना, और भी एक आपके पास होता है ठीक है, तो अगर खो जाते हैं तो दूसरा एक्टिवेट कर सकते हो, ये एक अच्छी चीज़ है फॉरेक्स कार्ड का। फिर एक्सिस बैंक का भी मेरे पास है पर एक्सिस के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक्सिस का मैंने इसलिए कराया था फ़ीस वीस अभी मतलब यहाँ पे हूँ तो फ़ीस ट्रांसफ़र करना होता है, तो एक्सिस से थोड़ा मतलब इजीली हो जाता है, HDFC वाले नहीं करा पाते, उनका मेन ब्रांच यहाँ पे नहीं है तो इसलिए, पर आप आराम से HDFC का अगर लेना है तो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड प्लस फॉरेक्स कार्ड ले सकते हो, नहीं तो PNB का भी ले सकते हो, PNB का अगर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ले रहे हो तो HDFC या एक्सिस का किसी का भी एक फॉरेक्स कार्ड आप ले लेना तो ज़्यादा सुइटेबल होता है, कि एक अगर काम भी ना करे तो दूसरा कम से कम आपके पास बैकअप हो कि दूसरा चलो तो काम कर रहा है, ऐसा ना हो आप एक के भरोसे बैठ रहे हो। जैसे मैं मेरा मेरा बताऊं तो HDFC का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और फॉरेक्स कार्ड लिया था तो मेरा फॉरेक्स कार्ड काम ही नहीं किया, ठीक है, तो काम ही नहीं किया, फिर उसके बाद अच्छा हुआ कि मेरे पास HDFC का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड था वो चल रहा था, पर फॉरेक्स कार्ड के साथ उतना इशू नहीं था, मतलब बैंक की तरफ से ही प्रॉब्लम था, उन लोगों ने एक्टिवेट नहीं किया था जो कि उन लोगों ने कर दिया,